दोनों हाथ बुलंद करके पता चले कि आप जश्न में आए हुए हैं और मुस्कुराहट हो चेहरे पे। ताकि पता चले हम जश्न में आए हुए हैं। नारे तकबीर अल्लाह, इतना ही आवाज है, इतने बंदे माशाल्लाह, हमारा अकीदा भी है, फरिश्ते भी हैं, और फरिश्ते तो देख हमें कहेंगे अजीब है भाई, इतना मजमा और जो है आवाज नहीं है। नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत लगा रहा हूं, इस नारे हैदरी से दुश्मन नहीं डरता। ये जो हम नारे हैदरी लगाया है इससे नहीं डरता, जो अगला नारा है उससे वो डरता है, वो इसलिए कि वो हकीकत है। ठीक है जी, हुसैनियत जिंदाबाद, ये तो हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, बुलंद सलावत भरते रहेंगे, इसलिए कि माहौल को देख के एक रबाई और उसके बाद जो है दो जुमले इमाम तकी अलैहिस्सलाम और शहजादे रियास अलैहिस्सलाम के आवाज़ से कह के दुआ कर दिए। ऐ मोहसिन आजम तेरा दम भरते रहेंगे, अकीदा है हमारा। ऐ मोहसिन आजम तेरा दम भरते रहेंगे, मातम तेरा अल्लाह की कसम करते रहेंगे, मातम तेरा अल्लाह की कसम करते रहेंगे, तू लाख छुपे पर्दे में ऐ शक्ले यजीद, लानत तेरी तस्वीर पे हम कर रहे हैं, लानत तेरी तस्वीर पे हम करते रहेंगे। आज देखा है आपने, इसी सदा को दबाने के लिए पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, इसी सदा को दबाने के लिए लाखों शहीद हम दे रहे हैं, और दुश्मन इस आवाज को दबाना चाहता है कि हम इस आवाज को दबा लेंगे, लेकिन नहीं, ये आवाज जितनी दबाने की कोशिश करता है इतना ही ये बुलंद होती है। लिहाजा हमारा किदा है, मोहसिन आजम तेरा दम भरते रहेंगे, मातम तेरा अल्लाह की कसम करते रहेंगे, तू लाख छुपे पर्दे में ऐ शक्ले यजीद, लानत तेरी तस्वीर पे हम करते रहेंगे, दुश्मनाने अहले बैत पे लानत। और एक पंजाबी की रुबाई भी है, और एक बात बता दूं कि आलिम और मुल्ला में फर्क है, पहले से आपको बता देता हूँ, आलिम उलमा और मुल्ला में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। तो एक पंजाबी ने रबाई लिखी है पंजाबी में, कहा है मुल्ला कुछ कर हया क्यों दीन करें दे चाटे। अगर समझ आ रही है तो माशाल्लाह, ऐ मुल्ला कुछ कर हया क्यों दीन करें दे चाटे, तेकू गल अली दी इवे लगदी जिवें लगदी बंदूक दी सट। जवाब पंजाबी सब नहीं जाती, इसी वजह से जो है जी 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 बंदूक आ गई, क्योंकि इंटरनेशनल वॉर बात है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
माशाअल्लाह हौल वला कुव्वता इल्ला बिललाह अल अली अल अज़ीम हसबना अल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीअ ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नफूसना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अम्मा बाद رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بواسطة الصلاة اللهم صل على محمد وعلى محمد زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی کیونکہ اس کے بعد مجھے کہیں جانا ہے تو ایک دو منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں سب سے پہلے شہزادہ علی اصغر کی ولادت باسعادت اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عام مومنین کی خدمت میں خصوصا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ پیش کرتے ہیں عزیزان جب ہم یہ ایام مناتے ہیں ولادت ہو شہادت ہو مناتے ہیں اس لیے کہ ان ہستیوں کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہماری خوشی میں خوشی کریں اور ہمارے ایام غم میں غم منائیے اور میں سمجھتا ہوں کہ زندہ قوموں کا یہی جو ہے وہ انداز ہوا کرتا ہے جو زندہ قومیں ہوتی ہیں اپنے آقاؤں کا اپنے مرشدوں کا اپنے قائدین کا اپنے اماموں کا وہ ایام ولادت ہو شہادت ہو وہ مناتے ہیں دیکھیے کہ کربلا کے اندر پورا جو جذبہ تھا اور دشمن کی جو نظریں تھیں وہ شہزادہ علی اصغر کی طرف تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی وہ دشمن جو ہے اور مجاہدے سے نہیں ڈر رہا تھا جتنا وہ شہزادہ علی اصغر سے ڈر رہے تھے خاموش مجاہد چھ مہینے کا مجاہد اور واقعی جو ہے اسلام جو پھیلا ہے اور تعلیم کربلا جو پھیلی ہے اور فلسفہ کربلا جو پھیلا ہے وہ شہزادہ علی اصغر کی سیرت کی وجہ سے ہے اور آج ہمیں ہمارے بچوں میں خصوصاً جب ہم یہ ایام مناتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچوں میں وہ جذبہ شہزادہ علی اصغر ہونا چاہیے اور ان مجلسوں سے شہزادہ علی اصغر کا جذبہ لے کے جانا چاہیے پوری معصومین میں اگر دیکھا جائے تو سب سے جو کم سن شہزادے ہیں امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام لیکن دشمن ان سے بھی ڈرتے تھے دشمن کا ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ سے یہی ڈرتا تھا اور ان کے علم سے ان کے تقویٰ سے علم اور تقویٰ کی وجہ سے دشمن جو ہے ڈرتا رہا میں سمجھتا ہوں آج وقت کی ضرورت ہے ہمارا ان کو مان لینا دشمن اس بات سے نہیں ڈرتا ہم ان کو مانتے ہیں ممکن ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں جی دشمن جو ہے دشمنان اہل بیت ان کا بھی یہی ڈر ہم بھی مانتے ہیں ڈرتا اس بات سے ہے کہ ان کی مانی جائے ورنہ تو وہ بھی دعویٰ کرتا ہم بھی مانتے ہیں ان کی ماننا دشمن سے ڈرتا ہے لہذا یہ جو چاہتے ہیں ان کو ماننا چاہیے ان کی ماننی چاہیے ان کو مان کر ان کی ماننی چاہیے
वहां पे हमारी अपनी राय नहीं होनी चाहिए। तकवा देखें, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का तकवा, परहेजगारी, और फिर जो है जब वो मंसूस मिन अल्लाह, फिर इल्म जो है ये हस्ती इल्म हासिल नहीं करती, इल्म जो है इनको विरासत में मिला जाता है, इल्म जो है इनको दूध में मिलता है, दूध में मिलता है। यही दुश्मन जो है वो, और दुश्मन ने देखा कि मुख्तलिफ हरबे से जब मौला अली ने सलूनी सलूनी कबला अंतफ की दूनी का दावा किया तो मुख्तलिफ अंदाज में उनसे सवाल पूछे गए। उन्हें नहीं पता था कि वो मौला जो अना मदीना तो इल्म वाली के बाप आप। और इसी हवाले से इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से भी दुश्मन ने हमेशा कोशिश की है कि इनके ये जो इल्म का दावा करते हैं और मुख्तलिफ अंदाज में उनसे सवाल करते रहे, और दुश्मन ने हमेशा उनको, उन्हें नहीं पता था ये कौन सी हस्तियां हैं, इनका लिंक कहां पे है, ये तो मोहम्मद है, अव्वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, व आखिरना मोहम्मद, व कुल्लुहुम मोहम्मद। मोहम्मद की सीरत देखो, वही इमाम तकी में नजर आएगी। मोहम्मद की सीरत देखनी है, वही इमाम अली नकी में नजर आएगी। मोहम्मद की सीरत को देखना है, वही इमाम हसन असली में नजर आएगी। खुशकिस्मत है हम लोग जिनका इमाम जिंदा है और वो हमें देख रहे हैं कि हम इन मजालिस में आकर, इन जश्नों में आकर हम उनकी सीरत को कितना अपनाते हैं, हम इनकी कितनी मानते हैं। मैं समझता हूं कि बाकी मजाहिब से इसी वजह से मकतबे तशय्यो को इम्तियाज हासिल है, लुत्फ खुदाबंदी है कि हमारा इमाम, हमारा रहनमा, हमारा कायद जिंदा है। राय ज़हूर कायम आले मोहम्मद बुलंद तय सलावात। लेकिन हमने अपने इमाम के ज़हूर के लिए आमादा होना है। करबला खत्म नहीं हुई, वाकई करबला खत्म नहीं हो गया, करबला के बाद दोबारा बर्पा होनी है, तारीख के अंदर है, रवायात के अंदर है। लेकिन हमने अपने आप को, हम क्या ज्यादा पढ़ते हैं, काश हम करबला ना होते, करबला भी खत्म नहीं हुई। इमाम के जहूर के लिए हमने तैयार होना है, मुजाहिद तैयार करने हैं, सिपाही तैयार करने हैं, लश्कर तैयार करना है, तब इमाम का जहूर होएगा। और इमाम ने आके सबसे पहले क्या करना है, कातली ने इमाम से बदला लेना है, कातली ने जहरा से बदला लेना है, गासबीन से बदला लेना है। लिहाजा हम इस मैदान करबला के लिए हमने अपने आप को तैयार करना होगा। वो तैयार कैसे हो सकते हैं कि हमें इनकी सीरत को अपनाना चाहिए, अपने जिस्म पे और इस अपने जिस्म के अंदर वो जज्बे पैदा करना चाहिए जो शहजादा अली असगर का था, वो जज्बा हमें पैदा करना चाहिए जो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का था। लिहाजा अजीजान, इन अय्याम शहादत और विलादत से हमें कुछ सीखना है और अपने आप को तैयार करना है इमाम के जहूर के लिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद तकी के। एक मरतबा एक वाकया बयान करते, उसके बाद जो है दुआ करते हैं कि बच्चों के साथ जो है वो खड़े थे और बच्चे खेल रहे थे और मामू रशीद का वहां से गुजर हुआ, सवारी पे वो सवार है और शिकार के लिए वो जा रहा था, तो बच्चों ने देखा उसकी सवारी आते हुए तो वो भाग गए और इमाम वहां खड़े रहे। तो करीब आता है, आके इमाम की तरफ देखा, कहा सारे बच्चे भाग गए हैं, आप नहीं भागे। इमाम ने बड़ा
अजीब अंदाज में जवाब दिया, कहा हम भागने वालों से नहीं है, हम मैदान में डट रहने हैं, मैदान में डट रहते हैं। और उसने ये जब ये जब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से ये सुना, वो परेशान हुआ, कहा बच्चे क्या नाम है? कहा मुझे तकी कहते हैं। वो जो है वो बड़ा परेशान हुआ। दूसरा इमाम ने जो जवाब दिया, कहा कि मैं भागा इसलिए नहीं हूं, मैंने कोई गलती तो नहीं की, भागते वो हैं तो जो कोई गलती करता है। तो ये सुनकर वो आगे चला जाता है, जाके मछली का शिकार करता है और मछली ले आता है। आता है वही बच्चे जो है उसी मकाम पे खेल रहे होते हैं, इमाम वहां पे खड़े होते हैं। फिर बच्चों ने देखा उसकी सवारी को आते हुए, बच्चे भाग गए, इमाम वहां मौजूद, और आकर फिर करीब आ जाता है, कहा सारे भाग गए हैं आप यहां ही? इमाम ने कहा कि नहीं, मैं इसी जगह मौजूद हूं। फिर उसने सवाल किया इमाम से अजीब अंदाज में, कहा कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? और इमाम ने बड़े अच्छे अंदाज में जवाब दिया, कहा कि अल्लाह ने दरिया पैदा किए, अल्लाह ने दरिया पैदा किए, और उन दरियाओं के अंदर छोटी छोटी मछलियों को पैदा किया, और शिकारी शिकार पे जाते हैं और वहां जाकर मछली को पकड़ के हम आले बैसे सवाल करते हैं, हम जान लेते हैं। ये सुनना था तो परेशान हुआ, और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, इमाम जो है उन्होंने वहां से इनकार कर दिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, अजीजान मोहतरम बुजुर्गान मिल्लत, आज हमें इस वक्त की जरूरत है कि हम अपने आप में वो जज्बे ईमानी, वो जज्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम पैदा करें, उनकी सीरत को अपनाएं और अपने आप को आमादा करें, अपने आप को तैयार करें इमाम के ज़हूर के लिए। दुआ को खुदावंद मुताअ, खुसूसन माहे रजब है, इसमें जितनी भी दुआएं की जाएं इमाम के ज़हूर के लिए दुआ करनी चाहिए, ताकि इमाम का ज़हूर हो और दुश्मनान अहले बैत और कासिबीन से मौला आके बदला लें, और हमें इमाम के उस लश्कर में हमारा शुमार करे जिनसे इमाम ने वो लश्कर की वजह से, और वो लश्कर उनके साथ होगा और जाके गासबीन और काफलीन से बदला लेंगे। बारे रात जो वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें सही मानों में आइमा अलैहिस्सलाम को मानने की तौफीक इनायत, और उनकी मानने की तौफीक इनायत फरमा जो जिस तरह वो चाहते हैं। बारे रात जो वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो मोमिन मोमिनात हजो ज़ियारात की तमन्ना रखते हैं, बारे उनकी तमन्ना को पूरा फरमा। जो मोमिन मोमिनात बेरोजगार हैं, बारे उनके रोजगार मुहैया फरमा। बारे जो वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो मोमिन मोमिनात दुनिया से चले गए, बारे उनको जन्नत फिरदौस में आला यकीन वल जन्नत अता। जो मोमिन मोमिनात परेशान हाल है, बारे उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मोमिन मोमिनात सफर में, बारे सही सलामत अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचा। इमाम ज़माना का जल्दी ज़हूर फरमा, इमाम ज़माना के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद फरमा। जहाँ जहाँ पे भी शियाने हैदर करवा रहे हैं, बारे लाओ की मुआफ़त फरमा। बारे लाओ जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें सही मानो में आज़ादारी है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर पाक फरमा। अल्लाहुम्म सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद, अल्लाहुम्म सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद, اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الله يا منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، ملك دعاء إمام زمانا قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه.
السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا بھائی